श्री गुरु ग्रंथ साहिब का 550वें प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज में शनिवार को शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज एवं समूह साध संगत द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब का 550वें प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक सिख समाज द्वारा मनाया गया। देहरादून से आए भाई ओमवीर सिंह जी के जत्थे द्वारा गुरुवाड़ी कीर्तन कर साधु संगत को निहाल किया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व को श्रद्धापूर्वक आयोजन करने में गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य तेजिंदर सिंह, इंद्रजीत सिंह, गुरमीत सिंह, जसवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरदार दलजीत सिंह ने कहा, सरदार दलजीत सिंह एडवोकेट, मैं गुरुद्वारा कमेटी का सदस्य हूं। आज सिखों के धार्मिक गुरु सर्वसांझीवालता के प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज गोरखपुर में गुरुद्वारा कमेटी एवं समूह साध संगत के सहयोग से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में एक यही गुरु ग्रंथ साहिब जी ऐसे हैं कि जिनको विश्व गुरु का दर्जा मिला हुआ है और इनका प्रकाश पर्व मनाया जाता है कि इस दिन इसका दुनिया में प्रकाश हुआ था और बनती दुनिया तक ये ऐसे ही रहेगा। और इस समय जो विश्व में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और शांति अगर लानी है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में पूरी जनता को, पूरे विश्व को आना पड़ेगा। और इस समागम में देहरादून से ओमवीर सिंह जी और होशियारपुर से गुरप्रीत सिंह जी ने शब्द कीर्तन करके संगत को निहाल भी किया। और इसके साथ ही गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से इस अवसर पर ब्लड बैंक का भी रक्तदान का शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों ने रक्तदान करके गुरु घर की खुशियां प्राप्त की और गुरु का लंगर भी अटूट बरता गया। और एक संदेश गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी गोरखपुर की संगत को दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं पे चल के हुए इस देश में अमन और शांति के लिए आज अरदास भी की गई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।